नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5 में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। 24 मार्च से इस KBC सीजन 5 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 24 मार्च से लेकर ये 2 अप्रैल तक इसका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन आप सोनीलिव ऐप के जरिए जाकर आप दे सकते हैं। जैसा कि देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब आप सोनीलिव ऐप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है इस तरीके से आपको पोस्टर लगा हुआ नहीं दिखाई दे। चूंकि रीजन यह है कि आप जानते हैं कि सोनीलिव ऐप जब भी आप ओपन करते हैं तो वहां पे काफी सारा स्लाइड होता है, यानी कि जितना सारा सोनीलिव ऐप पे जो ट्रेंड वहां पे शो होता है या फिर वेब सीरीज होता है उसका जो पोस्टर है बारी बारी से वहां पे स्लाइड होते रहता है। अब आपको करना क्या है कि जब आप सोनीलिव ऐप वहां पर ओपन कीजिए और KBC का यह थंबनेल आपको नहीं दिखाई दे तो वहां पर ऊपर में आप स्लाइड करते जाइए और जैसे ही स्लाइड आप करते जाएंगे तो इस तरीके से KBC का जो रजिस्ट्रेशन वाला टैब है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी जानकारी हम आपको यहां पे ये दे दें, काफी सारे ऐसे दर्शक होंगे जो कौन बनेगा करोड़पति जिसमें अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं उसके बारे में सोच रहे होंगे, तो हम आपको यहां पे ये बता दें कि हम KBC उस शो की बात नहीं कर रहे हैं जो महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा होस्ट किया जाता है। हम यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति मराठी सीजन की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर KBC का आप दर्शक हैं तो इसका काफ़ी सारा ऐसा सीजन है जो हर क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है, चाहे हम तेलुगु की बात कर ले या फिर मराठी की बात कर ले, इस तरीके से काफ़ी सारे भाषाओं में जो है KBC का वर्जन वहाँ पर चलाया जाता है। तो हम आज इस वीडियो में जो रजिस्ट्रेशन की चर्चा कर रहे हैं वो हम KBC मराठी भाषा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसका मतलब एक चीज़ ये भी आप समझ गए होंगे कि KBC मराठी में वही व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो महाराष्ट्र के होंगे, महाराष्ट्र से बाहर वाले व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि इस बात पे हम 110% यहां पे आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन 99.99% आपको जरूर बता सकते हैं। लेकिन चूंकि रीजन ये है कि जो भी क्षेत्रीय भाषा में प्रोग्राम चलाया जाता है वो उस क्षेत्र के प्रतिभागी के लिए ही होता है, यही कारण है कि अगर ये KBC मराठी भाषा में चलाया जा रहा है तो एक तो वही व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास मराठी का नॉलेज होगा, साथ ही साथ ये भी KBC का रूल और रेगुलेशन होगा जो महाराष्ट्र के व्यक्ति होंगे वही इस सीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आपको जैसे कि हम पहले ही बताया कि 99.99% हम आपको बता रहे हैं, लेकिन चूंकि जब आप सोनीलिव ऐप पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन वाले टैब को आप ओपन करेंगे, वहां पे मोबाइल के द्वारा आप वहां पे OTP प्राप्त करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वहां पे KBC का जो गाइडलाइन है वो आप पढ़ेंगे तो उसमें अधिकांशतः आपको पता चलेगा कि क्या ये जो एपिसोड है इसमें सिर्फ और सिर्फ मराठी मानुष जो है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर अदर स्टेट के व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी राज्य का अगर वहां पे शो चलाया जाता है तो वो सिर्फ उस राज्य के व्यक्ति के लिए ही निर्धारित होता है। तो KBC मराठी में जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसका रजिस्ट्रेशन 24 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 2 अप्रैल तक चलते रहने वाला है, तो आप इस बीच सोनीलिव ऐप के जरिए जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस तरीके से KBC जो सीजन 5 है इसमें आप पार्टिसिपेट करके यहां से करोड़ों रुपया आप जीत सकते हैं। 7 करोड़ तक लास्ट होता है तो जहां तक भी आप जाएंगे जीत कर यहां पर जा सकते हैं। तो खास इस वीडियो में हम यही बताने वाले थे कि जो लोग भी यहां पर मराठी KBC सीजन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप आसानी से जाकर बिल्कुल ही आसान है वहां पे सोनीलिव ऐप के जरिए बिल्कुल आप घर बैठे, आपको यहां पे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर KBC के मंच तक पहुंचने में आपको बिल्कुल बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जब लास्ट में आपका वहां पे सिलेक्शन होगा तभी आप चूंकि महाराष्ट्र के हैं तो आपको मुंबई आना पड़ेगा जहां पे इसका शूटिंग होगा, लेकिन शुरू रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट तक जितना भी प्रक्रिया होगा वो सारा का सारा प्रक्रिया आपका घर बैठे मोबाइल से ही होने वाला है। तो अगर आप KBC सीजन 5 मराठी भाषा में आप जाना चाहते हैं तो 24 मार्च से 2 अप्रैल तक इसका रजिस्ट्रेशन सोनीलिव ऐप पे चल रहा है, आप आसानी से जाकर वहां पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं।